मी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कल हमने डिराइव किया, कौन बताएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. यस, समवन फ्रॉम हियर, हिमांशु. यस मैम, पी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. यस, व्हाट इज के हियर? के क्या है? डिस्टेंस फॉरवर्ड स्टेप फ्रॉम दिस एज. क्या, व्हाट इज के हियर? डिस्टेंस फॉर व्हिच द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड. डिस्टेंस फोर्स कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट है वो, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, व्हाटएवर यू कॉल इट. ठीक है. और ओके, नाउ सिलेबस इज अप टू वर्क एनर्जी एंड पावर. ठीक है, फर्स्ट फोर यूनिट्स दैट विल बी द सिलेबस फॉर योर PT2, राइट? फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये आपका सिलेबस है. और पैटर्न है ऑल MCQs. MCQs का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ऑप्शन टिक कर देनी है, ऐसे नहीं होंगे. MCQs आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स, कॉम्प्लिकेटेड MCQs विद मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, जिसमें ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होती हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, असर्शन रीजन होती है, केस स्टडी होती है. ये सारी टाइप्स के MCQs होंगे. सिर्फ ये नहीं कि सिंपल चार में से एक ऑप्शन आपने टिक कर दी और वो आपका आंसर आ गया, ऐसे नहीं होगा. वी आर वेटिंग फॉर CBSE सैंपल पेपर ऑफ क्लास प्लस टू. तो जो पैटर्न प्लस टू का होगा सेम हम प्लस वन में फॉलो करेंगे. CBSE सैंपल पेपर एक आध दिन में आने वाले हैं, तो जो पैटर्न प्लस वन प्लस टू का होगा सेम हम प्लस वन में रखेंगे. सो यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट, राइट? सो आई होप दैट इज क्लियर नाउ. सिलेबस ऑफ PT2 एंड पैटर्न ऑफ PT2. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, लिख लो क्या होती है. बाय द नेम इट इज क्लियर, कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर. कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अदर इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. Examples, we have so many examples. What does an electric cell do? एक primary cell है आपके पास, dry cell है जो घर में remote में डालते हो, वो क्या करता है? Chemical to electrical, it converts chemical energy into electrical energy. It converts chemical energy into electrical energy. Is that clear? Then we have a solar cell. Solar cell क्या करता है? Solar energy पड़ती है उसके ऊपर, उसको electrical में convert कर देता है. So it converts solar energy into electrical energy. Solar to electrical. What does an electric bulb do? Bulb क्या करता है? Switch on करते हैं, bulb glow करता है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट. मोर देन वन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी देयर. टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम, बट मोर देन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी देयर. इलेक्ट्रिक फैन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल वो मूव करने लग जाता है, तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल. इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट डज अ मोटर डू? फैन में मोटर ही लगी हुई है, सेम फंक्शन, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल. फैन के अंदर मोटर ही तो लगी हुई है. इलेक्ट्रिकल जनरेटर और डायनमो, जनरेटर और डायनमो, व्हाट डज इट डू? इट डज द रिवर्स, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल. जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, उसमें क्या होता है? बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, क्रैकर चलाते हो ना,
तो उसमें हीट प्लस लाइट प्लस साउंड, हीट भी आती है लाइट भी निकलती है साउंड भी आती है, तो लिख लो बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, हीट प्लस लाइट प्लस साउंड, बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर, हीट प्लस लाइट प्लस साउंड. अनदर एग्जाम्पल, हाउ डज अ टॉय कार ड्रिवन विद अ की वुंड मूव. तो वो जब टॉय कार होती है उसको हम की वाइंड करते हैं तो उससे क्या होता है, द स्प्रिंग इनसाइड इट गेट्स वाउंड. वो जो स्प्रिंग होता है उसकी वाइंडिंग कर देते हैं, सो बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप इट स्टोर्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन इट, एंड व्हेन वी कीप ऑन द ग्राउंड दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच इट स्टार्ट्स मूविंग. ठीक है, ड्यू टू विच इट स्टार्ट्स मूविंग. सेम वे जो आपकी रिस्ट वॉच है उसमें भी की लगी होती है ना, की को वाइंड करते हैं तो स्प्रिंग जो है उसकी शेप चेंज होती है, तो उसकी हैंड्स तब तक चलती हैं जब तक वो स्प्रिंग अनवाइंड नहीं हो जाता, तो उसमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी देयर आल्सो. इज दैट क्लियर? देन वी कम टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. The law of conservation of energy states that total energy of the universe remains constant. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form into the other. हम convert कर सकते हैं, produce नहीं कर सकते. For example, generator है. Generator में electrical energy generate नहीं हो रही, convert ही हो रही. मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट ही हो रही है, तो कन्वर्जन हो सकती है, हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते. तो लिख लो स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be converted, it can only be converted from one form into the other, it can only be converted from one form into the other. it can only be converted from one form into the other. ठीक है, so let us do one example of conservation of energy. Simple pendulum. So we have an oscillating simple pendulum. This is mean position. These are extreme positions. तो इमेजिन करिए व्हेन द पेंडुलम वॉव रीचेस द एक्सट्रीम इट स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट, इट स्टॉप्स. व्हाट अबाउट इट्स काइनेटिक एनर्जी? इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशंस. ठीक है, सारी काइनेटिक एनर्जी जीरो है. एंड इफ वी कंसीडर मीन पोजीशन टू बी एट द ग्राउंड लेवल, देन व्हेन द वॉव इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन इट इज एट द हाईएस्ट हाइट, इट इज एट द मैक्सिमम हाइट. So potential energy MGH is maximum. So extreme position पे kinetic energy तो zero है, but whole of the energy is in the form of potential energy. So potential energy is maximum. Now assume that the bob is moving back towards the mean position. Height goes on decreasing, potential energy goes on decreasing, and kinetic energy goes on increasing. इसकी speed बढ़ती जाती है. And on reaching the mean position, its speed becomes maximum. Height becomes zero, so potential energy becomes zero. So whatsoever potential energy it was having here, it is converted into the potential kinetic energy. So at mean position, kinetic energy is maximum, and potential energy becomes zero.
But if we check at any point total energy, the sum of kinetic and potential energies will remain the same. Total energy same rahegi kisi bhi point pe hum dekhe. So this is our first example of conservation of energy. ठीक है, चलिए second example है free fall. When an object is falling freely, तब कैसे हर point पे energy conserved रहती है. You have done this derivation in 9th class also. वही derivation. ठीक है, तो we'll be taking three points during the journey of an object which is thrown vertically downward, which is falling freely. तो अगर तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी सेम आ जाती है, दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज जस्टिफाइड. ठीक है, तो लेट अस टेक थ्री पॉइंट्स. ए पॉइंट जहां से बॉडी ड्रॉप हो रही है, फ्रीली फॉल कर रही है. सो एच ए पॉइंट इज एट अ हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड. सो लेट अस चेक व्हाट इज द एनर्जी एट पॉइंट ए. काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि ये फ्रीली फॉल कर रही है, इसकी यू जीरो है. So at A point kinetic energy is zero, and because of maximum height from the ground, potential energy is mgh. So how much is mechanical energy, total energy? Sum of kinetic and potential energies, that is mgh. So we saw that total energy at A point is mgh. So if at least at two more points the total energy is mgh, that is the same, that would mean that the law of conservation of energy is justified. Aap kyun nahi likh rahe, revision hi kar lo. Chalo theek hai, now let us take a point B during the journey of this freely falling object. Ab B point lete hain at a distance x from the top. So what is its height from the ground? H minus x is its height from the ground. और जब ये बी पॉइंट को क्रॉस करती है, इसकी स्पीड है सपोज बी, हमें ये भी नहीं पता कितनी स्पीड से ये बी पॉइंट को क्रॉस कर रही है. सो सपोज द ऑब्जेक्ट क्रॉसेस पॉइंट बी विद सर्टेन वेलोसिटी वी. वी इज द वेलोसिटी व्हेन इट इज एट पॉइंट बी एंड एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड वी. तो पहले तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी के लिए बी पॉइंट पे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो लेट अस यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एट बी पॉइंट, मतलब ए और बी के बीच में लगा रहे हैं. ए और बी के बीच में थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए. तो वेलोसिटी एट बी पॉइंट इज वी, यू जीरो है आपका. नीचे आने के लिए, डाउनवर्ड जाने के लिए ए जी के इक्वल है और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स. यहां से वी स्क्वायर आ गया आपके पास टू जी एक्स. यू गेट वी स्क्वायर फ्रॉम हियर टू जी एक्स. सो नाउ वेरी इजिली एट बी पॉइंट वी कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर दैट यू जस्ट फाउंड टू जी एक्स. So that is mgh. Kinetic energy आ गई. अब potential energy है mgh. What is the height of B point from the ground? H minus x. So we have found both kinetic and potential energies. देख लो कोई doubt है तो. हमने दोनों energies निकाल ली. ठीक है, ऐड करो, बताओ टोटल कितना आता है. हाँ, ऐड देम. ये टर्म कट गई, एमजीएच अगेन. सो टोटल एनर्जी इज एमजीएच अगेन एट बी पॉइंट. यहां तक क्लियर, कोई डाउट? नाउ वी टेक अ पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड. अब ग्राउंड पे ले लेते हैं,
हाई बिकॉज जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई. सो एट पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी जीरो अनडाउटेडली. सो वट एवर पोटेंशियल एनर्जी इट वॉज हैविंग ऑन द टॉप इज कन्वर्टेड इन टू समथिंग एल्स एट द बॉटम. बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई. अब काइनेटिक निकालने के लिए वी नो द स्पीड इज इंक्रीजिंग एज इट इज रीचिंग द ग्राउंड. सो लेट अस अज्यूम दैट स्पीड इज वी डैश ऑन रीचिंग द ग्राउंड. तो पहले हमें फिर से काइनेटिक एनर्जी के लिए स्पीड निकालनी पड़ेगी वी डैश. सो अगेन वी विल यूज थर्ड इक्वेशन बट नाउ बिटवीन ए एंड सी पॉइंट्स. पहले हमने थर्ड इक्वेशन अप्लाई की थी ए और बी में. नाउ वी विल अप्लाई बिटवीन ए एंड सी. अप्लाई थर्ड इक्वेशन बिटवीन ए एंड सी पॉइंट्स. v square minus u square equal to 2as. अब v के है c point पे v dash. u तो zero ही था. a है g and distance between a and c is h. distance between a and c is h. so from here you get v dash square. यहाँ से आपके पास आ गया v dash square 2gh. so how much is total energy? kinetic plus पहले kinetic निकालते हैं. half m v dash square half m into 2gh that is mgh. so add कर दो. So what is total energy? Kinetic plus potential, that is mgh only. So comparing equation number 1, 2, and 3, we find that energy same at all the points during the journey of freely falling body. So that means total energy is conserved. So this proves the law of conservation of energy. Have a look at the whole derivation. कोई doubt है तो पूछ सकते हो. Yes, any doubts? है कोई doubt? अब इसका जो second example है, let me verify first कि upward जब body को throw करते हैं वो वाला article है कि नहीं. वो फिर बाद में करेंगे, पहले अभी इतना कर लो. सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कोई डाउट बच्चे पूछ लो इफ यू हैव एनी डाउट. यहां तक नो डाउट. चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट. कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका जो वर्क डन होता है वो शेप ऑफ पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता. इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. एंड वर्क डन बाय सच अ फोर्स ओवर अ क्लोज्ड पाथ विल बी ऑलवेज जीरो. अगर क्लोज पाथ के ओवर देखें तो इसका वर्क डन जीरो होता है. लिखो डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द फोर्सेस, या फिर सीधा ऐसे लिखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ पाथ फॉलोड. डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ पाथ फॉलोड but depends only on
initial and final positions, but depends only on initial and final positions. Full stop. Work done by such a force over a closed path will always be zero. Work done by such a force over a closed path will always be zero. For example, gravitational force. Okay, biggest example is gravitational force. Electrostatic force, वो भी है. अब I give you example, एक ball है. हम इसको vertically फेंके, हम इसको stair से फेंके, हम इसको एक स्लोप बना के इंक्लाइंड प्लेन से नीचे थ्रो करें. अगर हम सेम पॉइंट से कर रहे हैं और ग्राउंड वाला पॉइंट भी सेम है, तो आपका वर्क डन हमेशा mgh ही आएगा, सेम ही आएगा. तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स शेप ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इनिशियल फाइनल, मतलब कितनी हाइट के थ्रू हम थ्रो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते. सो इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स. सेम वे आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है. ठीक है, गॉट इट? तो क्वेश्चन लिखिए, शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव. इसको हम अलग से प्रूव करेंगे. शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव. ठीक है, तो ये शो करना है हमें. तो हम थ्री डिफरेंट शेप्स ऑफ पाथ्स ले लेते हैं, ए टू बी. एक ऑब्जेक्ट थ्रो की, अभी भी आपकी टोटल हाइट सेम है, चाहे इंडिविजुअल हाइट्स आपकी एच वन, स्टेप्स की हाइट डिफरेंट है एच थ्री. ठीक है, थर्ड ले लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन, बट वर्टिकल हाइट इज स्टिल द सेम. सो वी हैव टेकन थ्री डिफरेंट शेप्स ऑफ पाथ. लेट अस कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ईच केस. ठीक है, इन द फर्स्ट केस How much is work done? mgh, पता ही आपको. एक m mass की बॉडी को h height के थ्रू हम गिरा रहे हैं, कितना वर्क करेंगे? mgh. सेकेंड केस ले लेते हैं, वर्टिकल हाइट्स आर गिवन h1, h2, h3. हॉरिजॉन्टल जो स्टेप्स हैं, उनका डिस्टेंस भी लिख लो, ये x1 है ये x2. सो वी कैन डिवाइड दिस वर्क इनटू फाइव पार्ट्स. ठीक है, work done during this, during this, during this, during this, and during this. W1 plus W3, W4, and W5. ठीक है, ये हमारा सेकेंड केस है. अब देखते जाइए, यहाँ पहले स्टेप के ड्यूरिंग आपका वेट किधर है? एमजी डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट भी एच वन भी डाउनवर्ड हो रही है. ट्रायंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिग्री. तो आप क्या लिखोगे डब्ल्यू वन को? एमजी एच वन कॉस जीरो. एमजी एच वन कॉस जीरो. ठीक है, और W2 क्या होगा आपका? अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस इधर कवर हो रहा है, वेट अभी भी इधर एक्ट कर रहा है. एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री. एंगल कितना है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? दैट इज 90 डिग्री. ये भाई कुली वाला केस हो गया ना, mg x1 cos 90 डिग्री. ये हमने लिखा w2 को. क्लियर है ये स्टेप?
बस आगे अगले अपने आप लिखो. सेम वे ये डब्ल्यू थ्री क्या होगा, एम जी एच टू कॉस जीरो. वर्टिकल स्टेप्स के ड्यूरिंग ग्रेविटी है, उस केस में आपका एंगल जीरो डिग्री है. हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के ड्यूरिंग आपका एंगल 90 डिग्री है, एम जी एक्स टू कॉस 90. और डब्ल्यू फाइव एस एम जी एच थ्री कॉस जीरो. देखो पांचों टर्म्स क्लियर है. अब कॉस 90 जीरो होता है, ये वैनिश हो गया, ये भी जीरो हो गया आपका. कॉस जीरो वन होता है, ये तीन टर्म्स आ गया. सो दैट इज एम जी एच वन, एम जी एच टू, एम जी एच थ्री. एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री किसके इक्वल है, ये देखो तीनों हाइट्स का जो सम है टोटल अभी भी एच के इक्वल है. सो अगेन द वर्क डन इन दिस केस इज एम जी एच. तो हमने देखा कि स्क्वायर केस में भी वर्क डन सेम आ रहा है. देख लो सारे स्टेप ध्यान से कैसे किए हैं हमने. ठीक है, कोई डाउट किसी ने पूछना हो? यस, इफ इट इज नॉट विजिबल. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए अब थर्ड पाथ देखते हैं. चलिए थर्ड पाथ. अब ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है. विच फोर्स एक्ट्स दिस साइड, आप बता सकते हो इधर कौन सा वो? अगर हम पूरा रिजॉल्व करें, एम जी ये आर होगा, ये कौन सा है, ये कौन सा कंपोनेंट, आप ये बताओ. हमें सिर्फ इससे मतलब है जो अलोंग द प्लेन होता है, विच कंपोनेंट कितना, बोलो बोलो. ठीक बोल रहे हो, एम साइन थीटा, एफ साइन थीटा. एफ क्या है, कौन सा फोर्स, वेट ना. एम जी को रिजोल्व करेंगे ना हम, इंक्लाइंड प्लेन वाला वही डायग्राम है ये. एम जी इसको दो पार्ट्स में रिजोल्व करें, ये थीटा तो ये भी थीटा है, ये रिएक्शन है, ये आर कॉस थीटा है, एम कॉस एम जी कॉस थीटा है, और ये कंपोनेंट होता है एम जी साइन थीटा. हमने पहले भी डायग्राम बनाया हुआ है ये अब आपके टिप्स पे होना चाहिए. इट इज एम जी साइन थीटा, ठीक है. तो ये वाला फोर्स इसको नीचे लेके आ रहा है, एंड दिस लेंथ ऑफ द प्लेन इज एस, लेंथ ऑफ द प्लेन इज एस सपोज, वर्टिकल हाइट एच डी हुई है नो डाउट. तो इन दिस केस हाउ मच वर्क इज डन इन स्लाइडिंग द बॉडी टू अ डिस्टेंस एस, एम जी साइन थीटा इन टू एस, फोर्स इंटू वर्क, वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क इज योर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है ये फोर्स क्यों लिया? नहीं, फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया. अगर आप ले भी लो तो दिस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसी को बैलेंस ही कर रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, ठीक है. देन व्हाट विल बी साइन थीटा फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एच ओवर एस. तो साइन थीटा की वैल्यू पुट करो एच अपॉन एस, तो कितना आ गया अगेन एम जी. सो फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी हैव सीन that gravitational force is independent of shape of path followed, it depends only on initial and final positions, that's why it is proved that gravitational force is conservative. Okay, so it is proved that gravitational force is a conservative force. Is that okay?
Clear है students? If you want to ask anything, you चलो देखो ये रेजोल्यूशन हमने कैसे किया था इनक्लाइंड प्लेन पे, वो एक बार दोबारा देख लो. हम ऐसे लेते हैं ना, चलो ऐसे ले लो, ये थीटा है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो हमेशा हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा. वेट, वेट को हम रिजोल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में, एक इधर एक इधर. ये रिएक्शन है, प्लेन की रिएक्शन है, प्लेन के परपेंडिकुलर. ठीक है, अगर ये थीटा ये थीटा है तो एमजी का कौन सा कंपोनेंट है जिसके साथ थीटा लग रहा है, वो कॉज है. और दूसरा कौन सा है अलोंग द प्लेन, ऑलवेज रिमेम्बर वो होगा mg sin theta, इट विल बी mg sin theta. दिस इज वी हाउ दिस इज हाउ वी रिजॉल्व.